हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास 9 के चैप्टर नंबर 4 के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का सलूशन फ्रॉम आरडी शर्मा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इफ एक्स प्लस 1 बाय एक्स बराबर है 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। आपको पता है कि ये स्क्वायर कब आएगा, जब हम इस टर्म का क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। तो दैट मीन्स यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे एक्स प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर बराबर है 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने बोथ साइड क्या कर दिया, स्क्वायरिंग कर दी। अब यहाँ पर आपका फॉर्मूला यूज हो रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और आपको पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। तो हम इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे और इसको एक्सपेंड करेंगे, तो हमारा पैटर्न बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाय एक्स बराबर है 3 का स्क्वायर आपका होगा 9। अब एक्स से एक्स कैंसिल आउट, तो यहाँ पर आपका बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर है 9। और आपको इस पैटर्न की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस प्लस 2 को हम क्या करेंगे, मूव करेंगे राइट हैंड साइड। तो आपका फाइनल आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर बराबर है 9 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 7। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। नंबर सेकेंड, इफ एक्स प्लस 1 बाय एक्स बराबर है 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की पावर 6 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 6। यहाँ पर आपको x प्लस 1 बाय एक्स बराबर दे रखा है 3। एक्स की पावर 6 आपका कब बनेगा, जब हम स्क्वायर की पावर 3 करेंगे। दैट मीन सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे देन उसका क्यूब करेंगे। तो यहाँ पर आपको पैटर्न दे रखा है x प्लस 1 बाय एक्स बराबर है 3। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आपका नंबर बनेगा x प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर बराबर है 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आपका टर्म बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाय एक्स बराबर है 3 का स्क्वायर होगा आपका 9। एक्स से एक्स कैंसिल आउट, तो आपकी फाइनल टर्म बनी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर बराबर है 9 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 7। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का जो फाइनल आंसर आ गया वो हमारा कितना आ गया, 7 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसी पे ही क्यूब करेंगे और इस पैटर्न की वैल्यू को निकालेंगे। तो आपके पास अभी टर्म आई है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर बराबर है 7। तो मैंने क्या किया, क्यूबिंग बोथ साइड कर दी, और यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए प्लस बी का होल क्यूब। तो यहाँ पर हमारा बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी बराबर है 7 का क्यूब। आपको पता है कितना होगा, 343। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, पावर की पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई। तो ये आपका बन गया एक्स की पावर 6 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 6 प्लस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 343। इस पैटर्न की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, डेट इज इक्वल टू 7। तो ये आपका बन गया एक्स की पावर 6 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 6 प्लस 3 इंटू 721 इज इक्वल टू 343। ये चीज यहाँ प्लस है, वहाँ जाके माइनस, तो ये आपका बन गया एक्स की पावर 6 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 6 बराबर है 343 माइनस 21 दैट इज इक्वल टू 322। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए प्लस बी बराबर है 7 एंड ए बी बराबर है 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कब बनेगा, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर आपको ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है 7। सबसे पहले हमने क्या करी, स्क्वायरिंग बोथ साइड करी, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर डेट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर है 7 का स्क्वायर। आपको पता है कितना होगा, 49। अब ए बी की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पर हम पुट अप करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12 बराबर है 49। तो ये आपका बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 24 इज इक्वल टू 49। आपको इस पैटर्न की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये चीज़ प्लस है, वहाँ जाके माइनस। तो आपका फाइनल आंसर बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 49 माइनस 24 दैट इज इक्वल टू 25। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फाइनल आंसर आ गया वो हमारा कितना आ गया, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए माइनस बी बराबर है 5 एंड ए बी बराबर है 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको a माइनस बी की वैल्यू दे रखे है 5। आपको पता है कि ये स्क्वायर कब आएगा,
जब हम इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो दैट मीन्स यहाँ पर हम सबसे पहले स्क्वायरिंग पोस्ट सेट करेंगे तो हमारी टर्म बन जाएगी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है 5 का स्क्वायर, और यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर है 5 का स्क्वायर आपका कितना होगा 25। ab की वैल्यू आपको गिवन है 12, तो यहाँ पर हम पुट अप करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 12 बराबर है 25। तो ये आपका बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 25। इस टर्म को हम लेके जाएंगे राइट हैंड साइड, तो आपका आंसर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है 25 प्लस 24 इज इक्वल टू 49। तो मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो हमारा फाइनल आंसर आ गया वो कितना आ गया 49। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, इफ एक्स माइनस 1 बाय एक्स बराबर है 1 बाय 2, राइट द वैल्यू ऑफ 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाय एक्स स्क्वायर। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर के साथ जो कॉफिशियंट है यहाँ पर कितना है 4, यहाँ पर इसका कॉफिशियंट कितना है 1, तो दैट मीन सबसे पहले हम क्या करेंगे इस कॉफिशियंट को मूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारा पैटर्न बनेगा एक्स माइनस 1 बाय एक्स आपको दे रखा है 1 बाय 2, और अगर मैं इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आपके यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 2 है, तो दैट मीन्स ये 2 आपका दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो आपका टर्म बनेगा 2x माइनस 2 बाय एक्स बराबर है 1। और आपको बताया कि स्क्वायर कब आएगा, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो दैट मीन्स यहाँ पर हम दोनों टर्म पर क्या कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो हमारा टर्म बनेगा 2x माइनस 2 बाय एक्स का होल स्क्वायर बराबर है 1 का स्क्वायर। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 बाय एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2x इंटू 2 बाय एक्स इज इक्वल टू 1। एक्स के एक्स कैंसिल आउट, 2x का होल स्क्वायर कितना हो गया 4x स्क्वायर प्लस 4 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 1। आपको इस पैटर्न की वैल्यू निकालनी है तो दैट मीन्स माइनस 4 को हम मूव करेंगे राइट हैंड साइड, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 बाय एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन देखिए, इफ ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर बराबर है 102, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस 1 बाय ए। यहां पर आपको ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, यहां पर आपको ए माइनस 1 बाय ए की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है कि स्क्वायर कब होगा, जब हम a माइनस 1 बाय ए का स्क्वायर करेंगे, दैट मीन्स सबसे पहले हम क्या करेंगे a माइनस 1 बाय ए का होल स्क्वायर खोलेंगे और देखेंगे कि हमारा क्या वैल्यू बन रही है। तो अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो हमारा पैटर्न बनेगा ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू 1 बाय ए। तो ये हमारा फाइनल आंसर बना ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर, ए से ए कैंसिल आउट माइनस ऑफ 2, और आपको ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है 102। तो यहाँ पर हम पुट अप करेंगे तो ये आपका बनेगा a माइनस 1 बाय ए का होल स्क्वायर बराबर 102 माइनस 2 डेट इज इक्वल टू 100। आपको सिर्फ a माइनस 1 बाय ए की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर क्या दे रखा है स्क्वायर, तो ये स्क्वायर अपना राइट हैंड साइड चला जाएगा तो वो क्या नंबर बन जाएगा रूट में, और आपको बताया कि 100 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो हमारा आंसर क्या आ गया 10। तो डैट मीन्स a माइनस 1 बाय ए का जो फाइनल आंसर होगा हमारा कितना होगा 10 होगा। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, राइट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर बाय बी सी प्लस बी स्क्वायर बाय ए सी प्लस सी स्क्वायर बाय ए बी। अगर हम इस पैटर्न को देखें जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, और अगर मैं उसको अभी सिंप्लीफाई करूँ बाय टेकिंग एलसीएम, तो हमारा एक नया पैटर्न बनता है दैट इज इक्वल टू क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब। और आपको पता है कि जब हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब आ जाए तो आपको एक फॉर्मूला सिखाया गया, और वो हमारा फॉर्मूला क्या था, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके बराबर होता था, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी माइनस ऑफ बी सी माइनस ऑफ सी ए। बट आपको यहाँ पर क्या गिवन है, a प्लस बी प्लस सी बराबर हमें दे रखा है 0, ये चीज़ हमें क्या है गिवन है। सी वैल्यू को यहाँ पुट अप करूँगा तो 0 इंटू समथिंग हमारा क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर हमारा बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc कितना आ गया 0 आ गया, क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0। और अगर मैं सिर्फ इस पैटर्न की वैल्यू निकालूं तो हमारा बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हो जाएगा हमारा 3abc के। और जो आपको भी फाइंड आउट करना है जिसको मैंने अभी सिंप्लीफाई किया, तो अगर मैं इसको रीराइट करके लिखूं तो हमारा फाइनल आंसर बनेगा ए स्क्वायर बाय बी सी प्लस बी स्क्वायर बाय ए सी
प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी हमारा किसके बराबर था अभी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होल डिवाइडेड बाय ए बी सी के। और हमने अभी यहाँ पर इस पैटर्न की वैल्यू निकाली, डेट इज इक्वल टू 3 ABC। और नीचे भी हमारा क्या है, ए बी सी, तो ए बी सी से ए बी सी कैंसिल आउट, तो यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, 3।